हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहीं शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें डैश इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच डैश द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ द मनी इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस फर्स्ट एंड इंक्रीजेस लेटर। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मुद्रा स्फीति होती है जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, वो स्थिति जो होती है वो किस तरह की होती है, या वहाँ पर क्या होता है, जो मुद्रा का मूल्य होता है वो घट जाता है या बढ़ जाता है, या पहले बढ़ता है बाद में घटने लगता है, या फिर पहले मूल्य उससे घटता है बाद में बढ़ जाता है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति तब आती है कि जब मार्केट में जो बाजार है, जो जो मार्केट है, जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है हमारी, वहाँ पर मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में फैल जाती है। मुद्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फैल जाएगी तो वहाँ पर क्या रहता है कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो वस्तुएं हम खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा मुद्रा दे के, बहुत ज़्यादा मनी दे करके हम बहुत कम वस्तुओं को खरीद पाते हैं। एक कहावत भी है जिसमें कही जाती है कि झोला भर लेकर पैसे जाते हैं और मुट्ठी भर सामान लेकर के आते हैं, तो वही सिचुएशन हो जाती है इन्फ्लेशन में, जो मुद्रास्फीति होती है उसमें, कि हम बहुत ज़्यादा मुद्रा देकर, बहुत ज़्यादा मनी का पेमेंट करने के बाद बहुत कम वस्तुएं खरीद पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। उसमें क्या रहेगा, जो मुद्रा होती है उसकी परचेजिंग पावर घट जाती है, जो उसकी क्रय शक्ति होती है वो घट जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है, उसकी वैल्यू घट जाती है, बहुत ज़्यादा हमको पैसे देने पड़ते हैं किसी भी वस्तु के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति वस्तुओं की कीमत को कैसे प्रभावित करती है, हाउ इन्फ्लेशन इफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीजेस, फर्स्ट द प्राइस डिक्रीजेस लेटर और इंक्रीजेस नो इफेक्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मुद्रास्फीति होती है उसका वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, या किस तरह से प्रभाव डालती है, कि जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं उसका मूल्य होता है वो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, या पहले घटता है बाद में बढ़ने लगता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या रहता है, अभी क्या होती है मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब यहाँ पर जो सिचुएशन आती है कि वस्तुओं की कीमत पर जो कमोडिटीज होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है कि उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, महंगाई बढ़ जाती है, उसका मतलब ये होगा कि वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति होती है तो इसका अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हेन देयर इज हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी हाउ विल इट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेस, नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में, किसी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, वहाँ पर मुद्रा की मात्रा जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल गई है मुद्रा, तो वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उसमें धन की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना ज़्यादा मनी जो होगी वो उसका क्या स्थिति होगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है, इन्फ्लेशन के जो सिचुएशंस होती हैं उसमें मुद्रा की मात्रा मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सिंपल से समझ लीजिए, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू घट जाती है। एक सिंपल सी ये बात है, कॉमन सी बात है जो हर चीज़ पे लागू होती है, कि जब भी कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास वैल्यू उसकी कम हो जाती है, और जब आपके पास कम होती है तो आपके पास उसकी वैल्यू चीज़ की ज़्यादा रहती है। वही चीज़ इसमें भी रहता है कि मुद्रा की जो आपूर्ति अगर क्या होगी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर मुद्रा की वैल्यू घटने लगती है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा धन की आपूर्ति पर, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा करता है तो परिणामी मुद्रास्फीति कहलाती है, व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। तो जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, ये बहुत टाइप का होता है, तो उसी में टाइप्स आपके दे रखे हैं और एक डिफिनेशन दे दी है, आपको ये बताना है कि किस प्रकार का टाइप का इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है।
अपस्फीति है, मांग प्रोत्साहित स्फीति है, लागत प्रोत्साहित स्फीति है, प्रतिरोध स्फीति है। मांग प्रेरित भी लिखा हो सकता है या फिर लागत प्रेरित भी हो सकता है। तो मतलब इसका ये रहेगा कि डिमांड पुल या फिर कॉस्ट पुश पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा करता है, यानी कि बहुत ज्यादा मनी देना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं हमें कोई वस्तुओं को खरीदने के लिए, यानी कि वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये कौन से मुद्रास्फीति में होता है? ये हो जाता है जो मांग प्रोत्साहित स्फीति होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। इसमें क्या सिचुएशन होती है? डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उतने टाइम में हम सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, तो आपको पता ही होगा इकोनॉमिक्स का रूल कि जब डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। मूल्य बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि महंगाई बढ़ जाती है। तो ये कौन सी स्थिति हो जाती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, यानी कि मांग प्रेरक या फिर मांग प्रोत्साहित स्थिति होती है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति का कारण है, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज डिफिशिएंट फाइनेंसिंग, नेचुरल डिजास्टर, इनएडिक्वेट प्राइस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में जो मुद्रास्फीति है, मतलब जो इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है, जैसे कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, चीज़ों के जो प्राइजेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार, तो इसकी सिचुएशन जो है या ऐसी सिचुएशन किस वजह से आती है, क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था या फिर इसे हिनाद प्रबंध भी बोलते हैं, प्राकृतिक विपदाएं आने की वजह से भी रहता है कि कभी कभी बाढ़ आ गई या कभी सूखा पड़ गया या फिर कभी कहीं पर भूकंप आ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या रहता है कि उस जगह का पूरी तरह से प्रोडक्शन होगा या फिर जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होती सब रुक जाती हैं। जब सारी चीज़ें रुक जाएंगी तो क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं कुछ भी होता है तो क्या होगा, बिल्कुल वहां पर काम बिल्कुल एक तरह से ये बंद हो जाता है। तो जब काम बंद हो जाएगा सप्लाई रुक जाएगी, डिमांड तो उतनी रहनी है, तो डिमांड जब उतनी रहनी है सप्लाई कम हो जा रही है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। और साथ ही औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि। यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो किस तरह से डेवलप होगा या पूरी तरह से कह सकते हैं प्लांट नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ये सारे ही रीजन होते हैं। और जो घाटे की वित्त व्यवस्था है, डिफिसिट फाइनेंसिंग है, तो आपको पता ही होगा जो भारत का बजट होता है वो घाटे का ही बजट होता है। बजट तीन तरह के होते हैं, एक सरप्लस का होता है, दूसरा आपका बैलेंस का हो जाता है, तीसरा हो जाता है घाटे का। और जो भारत का बजट बनता है वो घाटे का होता है। घाटे का कैसे? कि एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं और इनकम कम होती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को घाटे की वित्त व्यवस्था करनी पड़ती है। तो बहुत तरीके उसके भी होते हैं, जैसे कि नया नोट जारी करना है या ऋण लेना है, ये सारी रीजन तरीके हो जाते हैं। तो उसमें भी क्या रहता है कि जो मुद्रा की मात्रा है, जो मनी है, मार्केटें बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इस वजह से ये तीनों ही रीजन हो जाते हैं मुद्रास्फीति की। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिरोध स्फीति का अर्थ है स्टैगफ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेशन, रिसेशन विद स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन गैलोपिंग लैग स्टेज, इन्फ्लेशन एंड इंक्रीजिंग आउटपुट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टैगफ्लेशन होता है उसका क्या अर्थ होता है या क्या मीनिंग होता है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? गतिरोध स्फीति कहा जाता है या फिर निष्पंदन स्फीति भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। दोनों का मतलब आपका, दोनों का मीनिंग स्टैगफ्लेशन ही होगा। इस स्थिति में क्या रहेगा कि जो प्रोडक्शन होता है वो कम होने लगता है, प्रोडक्शन कम होने लगता है और बेरोजगारी जो होती है वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होता है कि लोगों की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी उत्पादन करने के लिए, तो वहां पर बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो कीमतें होती हैं, जो प्राइजेस होते हैं वो भी इंक्रीज होने लगते हैं। प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी ही है या बढ़ गई है, तो वहां पर क्या रहेगा, अपने आप प्राइजेस हाई हो जाते हैं। ये सारे जो इसके रूल्स होते हैं या सारे लॉज जो हैं वो सब इकोनॉमिक्स से ही जुड़े हुए हैं। सीधे कॉमर्स में जितने सब्जेक्ट आपको मिलेंगे वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करते हुए हैं, तो एक अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कीमतें बढ़ जाएंगी तो एक तरह का क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गतिरोध स्फीति या फिर निष्पंदन स्फीति। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा कि जो स्थिरता के साथ मुद्रास्फीति होती है, यानी कि मुद्रास्फीति जो उसमें एक स्थिरता होती है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से निपटने के कौन से उपाय हैं, विच मेजर्स आर फॉलोड फॉर हैंडलिंग इन्फ्लेशन, मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स, प्राइस कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई है, मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में मार्केट में फैल चुकी है, इकोनॉमी में फैल चुकी है, तो वहां पर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के क्या तरीके होते हैं या क्या उपाय हम करें,
जिससे कि ऐसी स्थिति से हम बाहर निकल सकें। मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय, मूल्य नियंत्रण, ये सभी यहाँ पर ये तीनों ही तरीके होते हैं जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उससे बाहर निकलने की। मौद्रिक उपाय जो मौद्रिक नीति होती है जो कि RBI के द्वारा निर्धारित की जाती है, और जो राजकोषीय उपाय होते हैं वो गवर्नमेंट करती है, प्राइस कंट्रोल भी किया जाता है, तो ये तीनों ही उपाय हो जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कौन से तरीके से आएंगे, तो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसमें क्या रहता है कि जो मुद्रा को निर्मित किया जा रहा है, मार्केट में जो मुद्रा आती है तो वहाँ पर उसको निकालने के काफी रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा सा कठोर कर दिया जाता है, कठिन कर दिया जाता है, या फिर पुरानी मुद्रा जो मार्केट में ऑलरेडी ओल्ड करेंसी होती है उसको वापस ले लिया जाता है और नई करेंसी को निकाला जाता है। साथ स्फीति को कम करके जो क्रेडिट होता है उस क्रेडिट की मात्रा को कम करके, और राजकोषीय नीति जो होती है उसमें आता है कि बजट में संतुलन लाने की कोशिश की जाती है, ऑब्टेनिंग लोन्स यानी कि ऋण जो है या जो लोन्स लिए जाते हैं उन पर कंट्रोल किया जाता है, साथ ही जो सैनिक व्यय है उस पर नियंत्रण होता है, बचतों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उत्पादन में वृद्धि की जाती है, और जो मूल कर नियंत्रण है या प्राइस कंट्रोल किया जाता है जिससे कि जो उपभोक्ता है उनको कम कीमत पर सही या फिर सही कीमत पर वस्तुओं को दिया जा सके। तो ये तीनों ही चीजें आ जाएंगी, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति को निम्न के आधार पर मापा जाता है। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मार्शल्स इंडेक्स, ऑल ऑफ दिस। जो मुद्रा स्फीति होती है उसको किससे मापा जाता है या कौन सा इंडेक्स होता है, कौन सा सूचकांक होता है, जो मुद्रा स्फीति होती है उसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसे शॉर्ट में CPI भी कहा जाता है, इससे मापा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ती है तो ये किस प्रकार की स्फीति है। When price increases due to increase in factor prices, it is called demand pull inflation, cost pull inflation, stagflation, none of the above। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब साधन कीमतों में वृद्धि होती है, जो फैक्टर प्राइसेस होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, उससे जो कीमतों में वृद्धि होगी तो वो किस प्रकार की स्फीति होती है। मांग प्रोत्साहित होती है, लागत प्रोत्साहित, गतिरोध स्फीति, या फिर इनमें से कोई नहीं, वो हो जाती है लागत प्रोत्साहित। सिंपल सी बात है, जो साधन फैक्टर्स यानी कि वस्तुओं के उत्पादन में जिन फैक्टर्स को हम यूज कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो वहां पर जो स्फीति होगी वो आपकी लागत से रिलेटेड हो जाएगी, कॉस्ट से रिलेटेड हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग प्रोत्साहित स्फीति किसके कारण होती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉस्ट बाय इंक्रीज्ड मनी एक्सपेंडिचर, इंक्रीज्ड कॉस्ट फैक्टर्स, बोथ ए एंड बी, नन। क्वेश्चन में कह रहा है जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो किस कारण से होता है या क्या रीजंस होते हैं कि जो व्यय है उनमें वृद्धि हो गई है, या फिर जो कारक है उनकी बढ़ी हुई लागतें, लागतों में उनकी वृद्धि हो गई, या फिर दोनों ही कारण होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो व्यय हम कर रहे हैं, जो मनी एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब जो होगी तब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा इसलिए होता है कि देश में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग होती है वो भी तीव्रता से बढ़ती है, इससे क्या होता है मूल्यों में वृद्धि होती है। मूल्य बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, धन का व्यय भी ज्यादा होने लगता है, जिस वजह से ये सिचुएशन आती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन इज इक्वल टू डैश। यहाँ आपको बताना है जो गतिरोध स्फीति होती है वो किसके बराबर होती है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, रिड्यूस GNP प्लस लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो स्टैगफ्लेशन है, गतिरोध स्फीति होती है, वो क्या होती है, उसमें जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें कहाँ से उसके बारे में बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन दोनों चीज़ें होती हैं, मुद्रास्फीति भी होती है, साथ में किस प्रकार की होती है, गतिरोध होती है। जो रिड्यूस GNP यानी कि GNP जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन होता है उसमें कमी आती है, रिड्यूस हो जाता है, साथ ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका भी जो रेट होता है वो लो हो जाता है। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है और साथ ही महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो प्राइस लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही सिचुएशंस आती हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासित कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है। अपवर्ड रिवीजन ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस रिजल्ट्स इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन। क्वेश्चन में कह रहा है
कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस होते हैं जब उनमें वृद्धि हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार की मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या रहता है, जो लागत प्रोत्साहित क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो आपके जो है वस्तुओं के उत्पादन से कॉस्ट से ही रिलेटेड होते हैं, कौन सी स्फीति यहाँ पर बढ़ेगी वो हो जाती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से उत्पन्न होने वाली स्फीति है। इन्फ्लेशन अराइजिंग आउट ऑफ इंक्रीजेस इन द क्वांटिटी ऑफ करेंसी इन द कंट्री इज करेंसी इन्फ्लेशन, क्रेडिट इन्फ्लेशन, प्रॉफिट इन्फ्लेशन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब देश में मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहां पर जो चलन स्फीति होती है उस प्रकार का इन्फ्लेशन होता है, यानी कि करेंसी इन्फ्लेशन होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब ये है कि जब जो करेंसी है, जो हमारी नोट मुद्रा है, वो मार्केट में बहुत ज्यादा जब फैलने लगती है, बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो वहां पर वो सिचुएशन आती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस प्रकार की जो स्थिति आती है वो प्राय जो आपका सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा जो कागजी मुद्रा होती है उसको बहुत ज्यादा, यानी कि जो नोट मुद्रा होती है उसको बहुत ज्यादा चलन में ले आया जाता है या बढ़ा दिया जाता है, इस वजह से वो स्थिति आती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण होती है। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, इंक्रीजेस इन कैश विद द गवर्नमेंट, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है या क्या उसके रीजंस होते हैं उसके होने की। तो जो धन आपूर्ति होती है उसमें जब वृद्धि हो जाती है, जब मनी सप्लाई होती है उसमें इंक्रीज हो जाती है, तो वहां पर इस तरह की स्थिति आती है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का आवश्यक गुण है, एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन इज कैश, फॉल इन प्रोडक्शन, इंक्रीजेस इन प्राइस, एब्सेंस ऑफ ब्लैक मार्केट, प्रेजेंस ऑफ ब्लैक मार्केट। तो मुद्रास्फीति का आवश्यक गुण या फिर ये कह सकते हैं वो कौन सी विशेषता है जो मुद्रास्फीति की स्थिति में होती है, तो उत्पादन में गिरावट हो जाता है, कीमतें में वृद्धि हो जाती है, या फिर काले बाजार का अभाव होता है, काले बाजार की उपस्थिति हो जाती है, क्या रहता है इसमें। एक इसकी विशेषता है वो हो जाएगा आपका कीमतों में वृद्धि होना, प्राइजेस बढ़ जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।